दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार 3 जनवरी को पहला T20 मुकाबला खेला गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले खेलाई भारत की टीम और भारत की शुरुआत खराब रही। भारत के लिए अपना डेब्यू मैच खेल रहे शुभमन गिल कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गई। हालांकि ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए और 3 चौके और 2 छक्के लग गए। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव सिर्फ 7 रन बना सके और संजू सैमसन 5 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद बैटिंग करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 4 चौके लगाए और इस प्रकार भारतीय पारी को संभाला। और आखिरी में बैटिंग करने आए दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल, इन दोनों ने शानदार बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। दीपक हुड्डा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 41 रन बनाए और मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए 4 शानदार छक्के लगाए और 1 चौका लगाया, जबकि अक्षर पटेल ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए और 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। इस प्रकार भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 163 रनों का टारगेट दिया। टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत भी खराब रही और श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जबकि कुशल मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बनाए। धनंजय डिसिल्वा 8 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि चरिता श्रीलंका 12 रन बना सकी। इस प्रकार श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और लगातार अंतराल पर श्रीलंका की विकेट गिरते गई और श्रीलंका ने मात्र 51 रनों पर अपने पहले 4 विकेट गंवा दिए। उसके बाद बैटिंग करने आए कप्तान दर्शन सनाका, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए, जबकि वानुतु असरंगा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 10 गेंदों पर 21 रन बनाए और 2 शानदार छक्के लगाए, जिसकी बदौलत श्रीलंका की टीम वापस मैच में आ सकी। और आखिरी में श्रीलंका के लिए चमका करुणरत्ने ने शानदार बल्लेबाजी की और 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर श्रीलंका को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई और भारत ने श्रीलंका की टीम को पूरे 20 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट कर दिया और नए साल के पहले मुकाबले को 2 रनों से अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है। भारत की जीत को हीरो रहे अपना डेब्यू मैच खेल रहे शुभम अभी, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों भारत की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।